तो दोस्तों, क्या आपको भी पता है कि आपके स्मार्टफोन में भी वायरस है? और क्या आपको पता है सिम्टम्स जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन में वायरस की जानकारी ले सकते हैं, मतलब आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में वायरस है या नहीं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि मेरे स्मार्टफोन में वायरस है या नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला सिम्टम ये है कि रिडक्शन इन बैटरी लाइफ, यानी जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चलाते हैं, ज़्यादा देर चलाते हैं या कम चलाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जो है बैटरी लाइफ जो है कमज़ोर हो जाए। मतलब जो आपका स्मार्टफोन पहले 5 घंटे या 6 घंटे का बैटरी बैकअप देता था या 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता था आपके ज़्यादा चलाने पर भी, लेकिन वो अब स्मार्टफोन 2 घंटा ही बैटरी बैकअप दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन में जो है एक वायरस हो। इसका वजह ये हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन में कई अननोन एप्लीकेशंस या कई अननोन प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा हो, जो इतना बैटरी का जो है खपत कर रहा हो कि आपका बैटरी जो है स्मार्टफोन का जल्दी ही डाउन हो जा रहा हो। हमारा दूसरा सिम्टम यह है कि न्यू एप्लीकेशंस इन द स्मार्टफोन, यानी आपके स्मार्टफोन में न्यू अननोन एप्लीकेशंस आती जा रही हैं। अब ये अननोन एप्लीकेशंस कैसे आती हैं मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, अननोन वेबसाइट जो आपको मालूम नहीं है कि ये कैसी वेबसाइट है, इसमें वायरस भी हो सकते हैं, तो वहाँ से जब भी आप किसी ऐड या कुछ भी जो उसमें कोडिंग किया हुआ है उस पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है। आपको हमेशा अपने एप्लीकेशन की लिस्ट को चेक करते रहना चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि जो है मेरा स्मार्टफोन में कोई वायरस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये एप्लीकेशंस जो होती हैं एडवेयर्स होती हैं, मैलवेयर्स होती हैं और वायरसेस भी होती हैं, ट्रोजन्स भी होती हैं। तो हमारा तीसरा सिम्टम ये है कि योर एप्लीकेशन एंड फोन क्रैशेस रेगुलरली, मतलब आपकी एप्लीकेशन और आपका फ़ोन जो है जल्द ही जल्द, मतलब बार बार क्रैश होने लगेगा। मतलब जो आपका एप्लीकेशन कभी क्रैश नहीं हो पाता था, आपके रैम की अमाउंट सही है, आप मोबाइल को जो है यानी अपने स्मार्टफोन को सही तरीके से ऑपरेट करते हैं, तब पर भी आपकी एप्लीकेशन जो है क्रैश करती हैं, तो इसका मतलब कि आपके स्मार्टफोन में कोई वायरस है, या जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें भी वायरस हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि इस सिम्टम को जो है मैंने बहुत बार फेस किया है। तो मान लीजिए कि आपके स्मार्टफोन में जो है वायरस घुस आया या कोई भी मैलवेयर घुस आया, तो आपको क्या कराना है, स्मार्टफोन को रीसेट नहीं मारना है। सबसे पहले जो प्राइमरी सॉल्यूशन है ये है कि कोई आप प्ले स्टोर से ही कोई एंटीवायरस डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद उस एंटीवायरस को एक बार रन कर दीजिए। बाद में आप अपने स्मार्टफोन को जो है फ्लैश करा सकते हैं। अब हमारा अगला सिम्टम ये है ओवरहीटिंग। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओवरहीटिंग की समस्या होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि उनके स्मार्टफोन में जो है वायरस है या मैलवेयर है, तो जब आपके स्मार्टफोन में वायरस होगा तो वो प्रोसेसर की खपत ज़्यादा करेगा, प्रोसेसर का यूज ज़्यादा करेगा, तो आपका स्मार्टफोन गर्म हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि इंटरनेट पर जो है वो आप अननोन वेबसाइट्स पर ना जाएं और आप अननोन एप्लीकेशंस डाउनलोड ना करें। अब हमारा पांचवा सिम्टम ये आता है कि योर स्मार्टफोन विल स्टार्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब कि आपका स्मार्टफोन जो है बार बार स्टार्ट होगा, बार बार रीस्टार्ट होगा, बार बार क्रैश होगा, बार बार रीस्टार्ट होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके स्मार्टफोन में डेफिनेटली एक वायरस है, क्योंकि वायरस ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि आप
कभी नहीं चाहेंगे कि आपका स्मार्टफोन बार बार रीस्टार्ट हो, बार बार क्रैश हो, तो ये सारे वायरस ही कर सकते हैं। और अब हमारा सिक्स और लास्ट जो हमारा सिम्टम है ये है कि योर अननोन एड्स विल अपियर इन द स्मार्टफोन, मतलब अननोन एड्स आपके स्मार्टफोन में आने लगेंगे जो आपको एड्स कभी भी नहीं दिखाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और झटके पे पूरे स्क्रीन पर एक एड छा जाए तो वो आपको कैसा लगेगा? तो ये डेफिनेटली एक वायरस और या एक एडवेयर कर सकता है। ज्यादातर ये एडवेयर ही होते हैं जो नकली नकली वेबसाइट से जो है डाउनलोड हो जाते हैं और आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल जो है कम करें, अननोन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कम करें और इंटरनेट पर थोड़ा बच के चलें, क्योंकि कभी कभी आपको व्हाट्सएप के थ्रू लिंक्स भी मिल जाते हैं जिन पर आप कभी क्लिक करके उस वेबसाइट पर चल जाते हैं और आपके स्मार्टफोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।